हे गाइस, ये ज़ैप ने मुझे ये जो स्पीकर्स हैं ब्लूटूथ स्पीकर्स ये भेजे हुए हैं। अगेन दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, उन्होंने इसे प्रोडक्ट भेजा है और मेरा जो जेन्युइन इसका जो ओपिनियन है, रिव्यू है, वो देने को बोला है। और यही नहीं, ऐसे मैंने जब उनसे बात हुई थी ईमेल पे, मैंने उनसे दो मंगा लिए थे ऐसे, ताकि एक मैं यूज़ कर पाऊँ, एक मैं आप लोगों को गिव अवे कर सकूँ। तो इसमें से ये जो प्रोडक्ट है, एक मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये गिव अवे होने वाला है। तो इससे पहले जैप ने मुझे फ़ोन होल्डर भेजा था कार के लिए, जो बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक फैंटास्टिक काम कर रहा है। बहुत सारे फ़ोन होल्डर डैशबोर्ड पे टिकते नहीं है, लेकिन ये जो फ़ोन होल्डर है वो डैशबोर्ड पे टिका हुआ है। एक या दो बार जब मैं बहुत ठंडे इलाके पे गया हूँ, आदि कैलाश केलोंग गया, तो वहाँ पे एक बार निकला है, फिर दोबारा लगाया, उसके बाद निकला नहीं है। तो जो जैप का, अगर आपने देखा नहीं है तो मैं आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वाले की बात कर लेते हैं यहाँ पे अभी। तो ये ब्लूटूथ स्पीकर है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ में है। जो जो स्पीकर है वो मुझे अभी नहीं आया है, ये करीब मुझे यूज़ करते हुए 1 महीना हो गया। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट मुझे मिलता है जो यूज़ करने के लिए या फिर ओपिनियन देने के लिए होता है, मैं 2 4 दिन में वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं कम से कम उसको यूज़ कर लेता हूँ 1 महीने। और जब मेल आती है, जब वो लोग प्रोडक्ट मुझे ऑफ़र करते हैं, मैं उनको क्लियरली बोलता हूँ कि प्रोडक्ट मैं कम से कम 1 महीना यूज़ करूँगा, उसे अच्छी तरह जाँच परख लूँगा, उसके बाद ही मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। तो जब ये येस होता है तभी मैं प्रोडक्ट रिव्यू के लिए बोलता हूँ। फिर जो आपको प्लस मिलता है, इनबिल्ट माइक्रोफोन मिल जाता है, हैंड्स फ्री कॉलिंग का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, रिचार्जेबल बैटरी है, और भले इन्होंने लिखा है 15 आवर्स सिंगल चार्ज, लेकिन ये 9-10 घंटे आपका आराम से चल जाता है। जिसकी रेंज दी गई है 10 मीटर, और उसके बारे में भी बात करेंगे क्योंकि मैं इसको थरेली यूज़ कर चुका हूँ। स्टार्टेड, मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। अनबॉक्सिंग क्या है, ये तो जो दूसरा प्रोडक्ट मैं यूज़ ही कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, इसमें आपको एक केबल मिलता है छोटा सा, और थोड़े ये बुकलेट वगैरह मिल जाते हैं इसमें, तो इसे उसको साइड रखते हैं। ये है इसका पूरा डिज़ाइन, ये बॉटम पार्ट है, और यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन ऑन ऑफ, और ब्लूटूथ जब कनेक्ट होता है तो रेड या ब्लू दिखाता है, और ये फॉरवर्ड नेक्स्ट का ये यहाँ पे बटन आ जाता है, प्ले पॉज का यहाँ पे है, और जो वॉल्यूम का माइनस प्लस, जैप की यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखी है। और उसके अलावा जो इसका कंस्ट्रक्शन है बहुत छोटा है, स्क्वायरिश में है, बॉटम पे ये मटीरियल लगा हुआ है ताकि ये स्लिपरी ना हो। ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी ढंग से स्टिक होता है। ये पूरा आपको मेटल में मिल जाता है, ऊपर का जो ये पोर्शन है वो रबर का है, और नीचे भी ये रबर का है, स्लिपरी नहीं है जैसे मैंने बताया था। और यहाँ पे आपको चार्ज का ऑप्शन मिल जाता है, ये ऑक्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो, यहाँ पे ऑक्स का आपको स्पेस मिल जाता है, ये यूएसबी चार्ज करने के लिए। इसके अलावा जो ब्लूटूथ जो रेंज दी हुई है, मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि मैं इस रूम पे अपने स्टूडियो पे यहाँ पे बैठा हूँ, तो यहाँ से मैंने कनेक्ट किया था अपने इसको फ़ोन को, और फ़ोन को यहाँ छोड़ा था। अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट करता हूँ ताकि कोई भी म्यूज़िक सुनना हो, कुछ भी देखना हो तो उसमें कनेक्टेड रहता है। उसके बाद मैं अपने दूसरे रूम पे गया हुआ था, वहाँ पे मैं इसको लेके गया, और मुझे कनेक्टिविटी चेक करनी थी। तो जब मैं डोर खोलता हूँ तो कनेक्टिविटी अच्छी है, बिल्कुल कोने तक जाता है, लेकिन जैसे डोर बंद होता है तो हिंड्रेंस की वजह से, जो दरवाज़ा है, वॉल्स की वजह से, इसमें आवाज़ कटने लगती है। अब मैं कंपेयर कैसे कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रिसेंटली इन्फिनिटी का जो हेडसेट है वो लिया है ब्लूटूथ, और जो इसकी कनेक्टिविटी है फैंटास्टिक है। क्योंकि अगर आप, बाय द वे ये इन्फिनिटी का है, जे बी एल का ही सब्सिडरी है, तो बाय द वे जब मैं यूज़ करता हूँ, डोर बंद हो, कहीं भी हो, मैं बाथरूम में बैठा हूँ, तो ये थोड़ा भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, परफेक्टली चलता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो अगर डोर बंद हो तो डिस्कनेक्ट होना शुरू होता है, ये थोड़ा सा मुझे इसमें ड्रॉबैक लगा। और इसकी आवाज़ क्वालिटी इज़ वंडरफुल। राइट गाइस, सो हम लोग अभी इसके साउंड का टेस्ट करने वाले हैं। सो आई एम गोना प्ले द सॉन्ग फ्रॉम अनदर मोबाइल, और इसमें मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सो लेट्स प्ले इट, और आपको पता चल जाएगा कि साउंड की क्वालिटी कैसी है। इस प्राइस रेंज पे 1500-1600 रुपये में, और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन और स्टडी, क्योंकि इसका जो बेल्ट है डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, तो ये वैल्यू फॉर मनी हो सकता है।
अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो इसका जो लिंक है ज़ैप का वो मैं दे देता हूँ आप वीडियो के लिंक पे, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर अमेजोन से परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। तो गाइस यही था छोटा सा ज़ैप का वीडियो गिव अवे पार्टिसिपेशन के लिए। आपको सिंपली जो इंस्टाग्राम का अकाउंट दे रखा है उस पर मैंशन करना है आई एम इंटरेस्टेड, और जितने भी पार्टिसिपेशन रिक्वेस्ट आएंगे उनमें से एक सेलेक्ट करके और जो रिव्यू का प्रोडक्ट है मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। और ये आज जो डेट है 17 का है, तो 24th का टारगेट रखते हैं। 24th को मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा कि किसको मिल रहा है, और 31 तक मैं इसको शिप आउट, क्योंकि मुझे सैटरडे संडे टाइम मिलता है, तो या तो 30 को या 31 तारीख को मैं आपके एड्रेस पे शिप आउट कर दूंगा। यही था जैप का वीडियो। दोबारा मिलते हैं आपसे किसी के वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।